युद्धवीर सिंह उर्फ बबलू, रेजिडेंट ऑफ आगरा चक आरएसपुरा। बाबर खान उर्फ बाबर, रेजिडेंट ऑफ भवानी नगर नुवाबाद जम्मू। प्रीतम सिंह उर्फ सेठी, रेजिडेंट ऑफ रामनगर सांबा। इन चार एक्यूज्ड को हमने हैदराबाद से अरेस्ट किया है। व्हेन दिस इंसिडेंट टुक प्लेस, उसके बाद हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि ये चार लोग अमृतसर में भागे हुए हैं, किसी होटल में रुके हुए हैं। व्हेन वी रेडेड दैट होटल, जब हम वहाँ पे पहुँचे, हमारी टीम्स वहाँ पे पहुँची, ये वहाँ से निकल गए थे। उसके बाद दे वेंट टू शिमला, हमने शिमला में इनको चेस किया, ये शिमला से भागे। उसके बाद दे वेंट टू मनाली, हिमाचल पुलिस, हिमाचल प्रदेश पुलिस, दे कोऑपरेटेड विद अस इन ए वेरी लवली मैनर, बट अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट गेट देम। फाइनली इन चार लोगों को विद द हेल्प ऑफ हैदराबाद पुलिस, हमने इन्फॉर्मेशन शेयर की थी उसके बेसिस पे जॉइंटली हमने इन चार लोगों को नैब किया है। इसके सिवा 10 और लोग जो इसमें अरेस्ट हैं, मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। सुरिंदर सिंह उर्फ बाबू, रेजिडेंट ऑफ रामगढ़ सांबा। गुरप्रीत सिंह उर्फ हनी, रेजिडेंट ऑफ गोल गुजराल। दीपक शर्मा, रेजिडेंट ऑफ न्यू प्लॉट जम्मू। रॉयल सिंह, रेजिडेंट ऑफ मोहल्ला दलपतियाँ जम्मू, इसकी कस्टडी हमने चेंज की है इस केस में। जसवीर सिंह अलियास काका, रेजिडेंट ऑफ आरएसपुरा। अमनदीप सिंह, रेजिडेंट ऑफ सांबा। ऋषभ भट्ट, रेजिडेंट ऑफ सरवाल जम्मू। राकेश चौधरी, रेजिडेंट ऑफ सांबा। विजय कुमार, रेजिडेंट ऑफ रामगढ़ आप जम्मू। अभी इस केस में दो और एक्यूज्ड जो हैं वो फरार हैं, मगर आपके माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बहुत ही जल्द वो भी हमारी गिरफ्त में होंगे। इस क्राइम में इन्होंने 3 कार्स और 1 मोटरसाइकिल यूज़ किया था, जिसमें से 2 कार्स हमने सीज कर ली हैं अब तक और बाकी भी जल्द हो जाएंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, 10 पिस्टल्स हैव बिन रिकवर्ड टिल नाउ एंड फ्यू मोबाइल फोन्स ऑल्सो विच हैव बिन सीज्ड एंड रिकवर्ड फ्रॉम द डिफरेंट पर्सन जिनके मैंने नाम लिए। एंड वन थिंग इज़ फॉर श्योर, अगर आप जम्मू में क्राइम करेंगे फिर आप देश के किसी भी कोने में जाके छुप जाएं, ना तो आप हमारी नज़र से दूर हैं और ना ही आप हमारे हाथों से दूर हैं। जम्मू पुलिस, इनफैक्ट जम्मू एंड कश्मीर पुलिस स्टैंड्स कमिटेड टू कंट्रोल दीज टाइप ऑफ क्राइम्स एंड टू कैच दीज टाइप ऑफ क्रिमिनल्स। थैंक यू सो मच। इसके मोटिव के बारे में मैं अभी, इन्वेस्टिगेशन अभी भी स्टार्टिंग के दिनों में ही है, अभी मैं आपको मोटिव बताऊंगा तो इट विल अफेक्ट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस, सो दैट थिंग आई विल कीप इट ए सीक्रेट, बट इन द कमिंग डेज आई विल। सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, अभी मैं चीज़ें आपको पूरी, जितनी मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने बता दी हैं, बट दीज थिंग्स आई विल टेल यू इन अ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। सर, ये जो टोटल 15 लोग पकड़े हैं और जो दूसरा एक और इंसिडेंट हुआ था बॉटल फेंकने वाला, उनमें भी ये लोग इन्वॉल्व यही हैं कि वो अभी एब्सकॉन्ड नहीं हैं? जो ये लोग हैं 15 लोग जिनका मैंने नाम लिया है, इनमें से कोई इन्वॉल्व नहीं है। उसके सिवा हमने काफी सारे लोग राउंड अप किए हैं, उसमें भी बहुत जल्दी हमें कामयाबी मिल जाएगी। सर, ये क्या जेल से चल रहा था सारा कुछ, जैसे रॉयल सिंह इस वक्त उम्र कैद की सजा काट रहा है जेल, और उसके कुछ एसोसिएट्स बाहर थे जिसकी वजह से ये कमीशन ऑफ द क्राइम दैट टुक प्लेस। एक जेल का जो सुपरिटेंडेंट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका ड्राइवर भी इन्वॉल्व है कुलदीप, उसको भी आपने अरेस्ट किया था? यस yes, मैंने उनका भी नाम दिया है इसमें। ये बाहर से अंदर जाके मुलाकात भी करते रहे हैं और फाइनली दिस क्राइम टुक प्लेस। जेलर की कितनी इन्वॉल्वमेंट है? वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट पार्ट आल्सो, बट एज ऑफ नाउ डजंट सीम टू बी। डजंट सीम, वो छोटा मुलाजिम है ड्राइवर, बगैर उसके, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में भी वो कई बार देखा गया है जेल में आते हुए मिलना, रॉयल सिंह से मिलना और सारी बातें उसका। सी द पर्सन हु वाज इन्वॉल्वड इन दिस, ही स्टैंड्स अरेस्टेड। इसके सिवा जो भी होगा वी विल बी कैरिंग द इन्वेस्टिगेशन इन अ वेरी प्रोफेशनल मैनर, दैट आई कैन अश्योर यू। सर, ये
कितने व्यापारियों को ऐसा धमकियां दे चुके हैं, ये तो पूरा फुल फ्लैश है, 12 अगर पिस्टल मिल रही हैं इनसे। नहीं, ये 10 पिस्टल्स हैं और भी हमें रिकवरी की हमें उम्मीद है। सर वैसे सी दिस इज द प्रोफेशनल पार्ट ऑफ इट कि दीज पर्सन हैव बीन नैब्ड इन 20 डेज, इट हैज बीन जस्ट 20 डेज। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी टीम्स कहाँ कहाँ पे रेड कर रही होंगी, ये तो मैंने आपको यूटी के बाहर की चीज़ बताई है। हमने सांबा पुलिस द वे दे हैव कोऑपरेटेड विद अस, और उसके सिवा ज़िले में कितनी जगह, डिस्ट्रिक्ट जम्मू में हमने कितनी जगह रेड की होगी, मल्टीपल टीम्स इस चीज़ में लगी हुई थी, बट वी हैव बीन सक्सेसफुल, वेरी सक्सेसफुल। इनफैक्ट आई विल से कि हमने इन लोगों को पकड़ लिया है और ये हथियार भी हमने बरामद किए हैं। बाकी इसके बाद ये हथियार कहाँ से आए, किस जगह से ये लेके आए, दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जहाँ से भी लेके आएंगे दोज कल्प्रिट्स विल ऑल्सो बी बुक अंडर लॉ। थैंक यू। इसके कनेक्शन है इसमें फॉरेन का अभी तक कनेक्शन, वीडियो फ्लैश हुई थी, फॉरेन का अभी तक कनेक्शन हमारे सामने कुछ नहीं आया, मगर अगर आता है कोई भी सामने वी विल बी डीलिंग विद इट। जैसे रॉयल सिंह का कनाडा में कोई कॉल आई है उसको, जैसे सुनने में आया कुछ कॉल उसकी पकड़ी है आपने, ये आपकी नज़र में आई होंगी? एज सच हमारी नज़र में, एज सच हमारी नज़र में अभी तक ये वाली कोई चीज़ नहीं आई। इसके साथ मैं आज ये मौका गंवाना नहीं चाहूँगा, आप सबको ये वाली चीज़ मैं बता दूँ। आपने देखा ही है जिस तरीके से कोविड के केसेस जम्मू में बढ़ रहे हैं, आपके माध्यम से मैं सबको ये अपील करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, काइंडली आप सभी SOPs का पालन करें, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखें एक दूसरे से, सैनिटाइजर्स का यूज़ करें। पुलिस दिन रात आपके लिए यहाँ पे खड़ी हुई है, सड़कों पे खड़ी हुई है आपके लिए, और अभी तक पिछले एक महीने में 4500 के करीब, अराउंड 4500 पीपल वी हैव टेकन एक्शन अगेंस्ट देम, वी हैव टुक एक्शन अगेंस्ट देम, वेदर इट इज़ अबाउट चलानिंग देम और रजिस्टरिंग केसेस अगेंस्ट देम, दोज हु आर नॉट वेयरिंग मास्क, दोज हु आर नॉट फॉलोइंग ऑल द SOPs। मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि द पिक्चर इज बिकमिंग स्केरी, ये आउट ऑफ हैंड ना हो जाए, लोग अब सभी SOPs का पालन करें। थैंक यू सो मच। दूसरा हाँ, जो ये सेकंड वेव है इसमें हमारे 13 पुलिस पर्सनल अफेक्ट हुए हैं, जिसमें से 11 हमारे जवान हैं और 2 हमारे ऑफिसर्स भी इन्फेक्ट हुए। जो सर दूसरा अटैक हुआ था बॉटल के साथ चौधरी नागर सिंह के घर के बाद, क्या उन लोगों को पकड़ा गया अभी तक, या उनके बारे में क्या जानकारी है? जो दूसरा हुआ था जिसमें बॉटल्स हर्ल की थी उनके घर पे, उसमें हमने काफी सारे लोगों को राउंड अप किया है, बहुत जल्द वो भी हमारे सामने। अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि चौधरी नागर सिंह के घर के बाहर जो फायर इंसिडेंट हुआ था, 10 जो है ये पिस्टल जो है रिकवर्ड की गई है, मोबाइल्स भी हैं, और अब देखिए ये वही पिस्टल हैं जो रिकवर की गई हैं। जम्मू पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि चौधरी नागर सिंह के घर के बाहर जो फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था वो भी तस्वीरें हमने आपको बताई थी, लेकिन अब जो है SSP जम्मू ने पत्रकार वार्ता करके जो है ये भी बताया कि 10 जो है पिस्टल जो वो रिकवर्ड की गई हैं, और लगातार हम आपको जो है वो जानकारी दे रहे हैं। टीम आजो बाकी साथ आप। हेलो, ओके। जैसे अभी तक मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई दिया है, इसमें हमने 15 लोगों को अरेस्ट किया है, कुछ व्हीकल्स भी हमने सीज किए हैं डेट वर इन्वॉल्व्ड इन दिस कमीशन ऑफ द क्राइम, और उसके सिवा हमने 10 पिस्टल्स इसमें रिकवर की हैं और सीज की हैं। बाकी सारी डिटेल्स इसके बाद, जिन लोग कुछ लोग अभी भी फरार हैं हम उनके पीछे हैं, और बहुत जल्द वो भी सलाखों के पीछे। सर कुछ अरेस्ट हुए हैं जम्मू कश्मीर के बाहर से भी? हाँ, थोड़ा सा डिटेल में क्या केस था, कब से वो था, टू द पॉइंट। आप सारे जानते ही हैं कि द इंसिडेंट हैपेंड ऑन 3rd of April ऑफ दिस ईयर ओनली, जहाँ पे गांधीनगर के एरिया में चौधरी नागर सिंह के घर के बाहर फायरिंग हुई थी। इसमें अभी तक जैसे मैंने बताया है कि 15 लोगों को अरेस्ट किया गया, और जिसमें से 4 लोगों को हमने हैदराबाद से अरेस्ट किया है। कितने दिनों में ये आपने केस सॉल्व किया है, किस तरह का जो है मॉडस ऑपरेंडी जो है इसमें लग रहा है, सामने आ रहा है? 20 दिन आज हुए हैं हमें, 3 तारीख को ये हुआ था, आज 23 तारीख है। 20 दिन के अंदर इन लोगों को हमने अरेस्ट किया है और वेपन्स पकड़े हैं, और टीम दे हैव बिन वेरी स्विफ्ट, दे हैव बिन रेडिंग मल्टीपल लोकेशंस एट वेरियस प्लेसेस, जहाँ की भी हमें इन्फॉर्मेशन आ रही है, वी आर नॉट टेकिंग एनी चांस, और वी आर वर्किंग इन अ प्रोफेशनल मैनर एंड डेटाइल। सर रिकवरी क्या क्या? शातिर थे जो पहले हिमाचल गए, शिमला, मनाली, फिर हैदराबाद जाके उन्हें पकड़ा। थोड़े से शातिर थे तभी 20 दिन लगे, नहीं तो दूसरे दिन हमारे पास होते। मगर यही चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि चाहे आप हैदराबाद में हों, चाहे आप मनाली में हों, चाहे आप शिमला में हों, अगर आप
यू डू दीज टाइप ऑफ क्राइम्स तो आप हमारे हाथों से सर रिकवरी क्या क्या है और सर इस मामले में और भी बिल्कुल 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 इसमें दो लोग एब्सकॉन्डिंग हैं तो और बहुत जल्द हम उन्हें भी पकड़ लेंगे वो गॉट सम वेरी इंपॉर्टेंट सर रिकवरी के बारे में बता दीजिएगा रिकवरीज इसमें 10 पिस्टल्स अभी तक रिकवर हुई हैं मैगजीन्स रिकवर हुई हैं उनकी राउंड्स रिकवर हुए हैं और उसके साथ कुछ मोबाइल फोन्स रिकवर हुए हैं कुछ गाड़ियां रिकवर हुई हैं टू कार्स वी हैव रिकवर्ड सो फार तो सर मॉडस ऑफ ऑपरेंडी और कॉन्स्पिरेसी जो है जेल के अंदर से हैच किया गया था जैसे मैंने बताया है कि इसमें एक इनके कॉन्स्पिरेटर